रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या कहता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो ये एंगल आई हमेशा क्या होगा, एंगल आर के इक्वल होगा। यहाँ पर से एक टॉर्च मारी है, एक मिरर है एम एन, एम एन पर टॉर्च मारी तो ये क्या होगा, ये इंसिडेंस रे है जो टॉर्च से निकल रही है, और ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे है, और ये क्या है नॉर्मल रे है जो इस एम एन के परपेंडिकुलर है। एम एन क्या है, एक मिरर है। तो क्या होगा, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड सेकंड लॉ पे। तो द इंसिडेंस रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑलवेज लाई ऑन अ सेम प्लेन। इंसिडेंस रे जो ये है और नॉर्मल रे जो ये है पी ओ, और रिफ्लेक्टेड रे बी ओ, ये तीनों क्या करेंगे, सेम प्लेन पे लाई करेंगे, यानी कि सेम पॉइंट पे लाई करेंगे। ठीक है।